अभी यहाँ इतनी दिक्कत देगी, काजल में मुझे लगता है और दिक्कत देगी। वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है ये। बाद में आगे तो तुम्हें वायलेंस करेंगे, तुम्हें यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं। ये चल रहा है सही, लेकिन अपना आप भी बता दो चैनल का नाम। लेबर लॉ एडवाइजर। अरे करे तो करे कैसे, कर भी लिया वो बड़ी बात नहीं है, धोए कैसे। गुड मॉर्निंग गाइस, 10 बज रहे हैं एंड हम ताबू में, बाहर ठंड हो रही है। ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जा रहे हैं, गाड़ी का पता नहीं भी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। धूप तो काफ़ी आ गई, बट जिस जगह पे वो बड़ी वहाँ पे शैडो है, ठंड बहुत लग रही है भाई। सब लोग उठे ही 9:30 बजे के आसपास है, मैं तो और लेट उठा थोड़ा सा, 9:45 बजे भी 15 मिनट ही हुए हैं। तो फ्रेश फ्रेश होके थोड़ा सा बस ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे। ठंड बहुत है भाई, मस्त वाली ठंड है, पाइप वाइप सब जमे हुए हैं, पानी भी नहीं आ रहा है कहीं भी। अंदर तंदूर चालू है, तब भी थोड़ा गर्म है। क्या खाने में तो भाई, ब्रेकफास्ट के बीच में बुलावा आ गया, गाड़ी हटानी है क्योंकि दूसरी गाड़ी निकल नहीं रही है, जगह कम है बहुत। तो अभी देखते हैं चालू हो रही है। ये मोमेंट ऑफ ट्रुथ, ये कहाँ का नंबर है? ये भारत, भारत ऑल ओवर इंडिया वाले, ऑल ओवर इंडिया वाला। होगा अपने आप से बेस, गाड़ी कोई भी दुनिया की क्यों ना हो, डीजल सब में वही डलता है। हाँ। तो डीजल तो जमता ही है। डीजल नहीं जमता, जो नोजल में भाप बनती है ना। हाँ। उससे बर्फ बनती है। जब ये डीजल भी बहुत बार पाइप्स में जम जाता है ना, अगर डीजल में पानी हो तो क्या होता है, जैसे गर्म होती है ना गाड़ी, जैसे आप बंद करेंगे ना फिर उसमें भाप निकलेगी, वो भाप पाइपों में रहेगी, फिर वो जब ठंडा हो जाएगा जम जाएगा। अभी यहाँ इतनी दिक्कत देगी, काजल में मुझे लगता है और दिक्कत देगी। रेस नहीं देते इसमें, नहीं इसमें स्टेबलाइज थोड़ी देर में अपना पहुंचा था। अभी जैसे आरपीएम अपना ऊपर थोड़ा थोड़ा जा रहा है ना, तो अभी थोड़ी देर में मतलब एक दो मिनट में हो जाना चाहिए कि अपने आप नॉर्मल हो गया। रेस दिया तो सेंसर वेंसर कुछ ना कुछ जल जाएगा पक्का। हो जा भाई चालू, अब वो तो टायर लेफ्ट साइड में 40 डिग्री कटा हुआ डिग्री एंगल। हाँ एंगल बता रहा है। अभी हुई ना चालू, देखो अपने आप भाई साहब, गाड़ी तो चालू होगी लेकिन धुआं देखो। थोड़ी देर में स्टेबलाइज हो जाना चाहिए, ठंड में शुरू करने में थोड़ा तो निकलता ही है, ऐसे थोड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा है, बस थोड़ी देर निकलता है। पहले शायद थोड़ा कम हुआ, थोड़ा रेफ करके देखता हूँ। भाई अभी गाड़ी इधर चालू करके छोड़ दिए, हाँ लगा दिए मैंने, धुआं तो अभी काफ़ी कम हो गया है पहले से। गाड़ी खुली है, अनलॉक कर नहीं सकता, मैं ब्रेकफास्ट कम्प्लीट करके थोड़ा पैकिंग वैकिंग करके आता हूँ, तब तक तो ये ऐसे ही छोड़नी पड़ेगी भाई। तो भाई आंटी जी से जिन्होंने हमें खाना खिलाया, जिनका होम स्टे है, ड्राई फ्रूट्स खरीद लिए। आंटी सबसे ऊपर चीज खाई है चिप्स है, बहुत मस्त है, पहले देखने में अच्छा लग रहा था, फिर मैंने टेस्ट किया तो भाई मैंने भी पैकेट उठा लिया। एंड नीचे है बादाम और ये बड़ा वाला एप्पल। तो आधा घंटा हो गया, धुआं निकलना बंद हो गया था गाड़ी से, मैंने अभी ऑफ करते क्योंकि आधा घंटा और अभी हमें मोनेस्ट्री जाके आने में। अब गर्म हो गया एक बार तो आधे घंटे तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इज ताबो ताबो मोनेस्ट्री। दिस मोनेस्ट्री वर्ल्ड की सेकंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है ये। ये मोनेस्ट्री के अंदर जाने के लिए, बट अंदर स्ट्रिक्टली कैमरास नॉट अलाउड, बाहर ही छोड़ेंगे, अंदर का तो नहीं दिखा सकते। सर रियल एक्सपीरियंस एट एवरी मोनेस्ट्री, किसी में भी चले जाओ, आज धनकर भी मिलेगी एंड कल मिलेगी अपनी की मोनेस्ट्री। पानी निकाल के देखो, बर्फ है ये। ओ भाई ये देखो, गाड़ी के अंदर भी मतलब नेगेटिव में गया है। अभी टाइम हो रहा है 12 एंड गाड़ी अभी हमने वापस से चालू की, एक बार में सट से चालू होगी। एंड हम लोग यहाँ से ताबो से निकल रहे हैं काजा की तरफ। गाड़ी जस्ट अभी निकाली है पार्किंग से हमने, एंड गाड़ी का प्रेशर ऑटोमेटिकली ठंड की वजह से ड्रॉप हो गया है 25 पे, एंड टेम्परेचर देखो -3°C, जबकि 12 बज चुका है, धूप आए काफी टाइम हो चुका है। अब काजा में पता नहीं क्या होगा भाई, नजारे देखो। तो रात में भी इसी के पैरेलल आए थे बट रात था इसलिए कुछ दिखा नहीं। भाई नदी देखो, इतनी सुंदर लग रही है नदी, बिल्कुल नीला पानी, उस पे भी वो जमा हुआ थोड़े थोड़े से पार्ट्स, ऊपर वाला लेयर जैसे ऐसे फ्रोजन लग रहा है उसमें। ये इंडिया में या फिर प्लैनेट अर्थ में चल रहा है ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है भाई। आगे देखो मतलब पूरी वैली है, क्या है ये, मतलब कोई वर्ड्स नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए। बिल्कुल ब्राउन सूखे पहाड़ है इतने बड़े बड़े ऊपर।
नीचे बिल्कुल पानी वाली है। मजा आ रहा है सर ड्राइव करके। मजा तो भाई अभी हम लोग गाड़ी एक खाली ऐसा बिल्कुल प्लेन सा एरिया टाइप का मिल गया था, वहाँ पे पत्थर रखे हुए थे कॉर्नर पे तो मालूम थी, बट कोई ऐसा यूजेबल एरिया नहीं था, ना रेस्ट्रिक्टेड था, ना कुछ था, ना कोई यूज कर रहा था उसे। तो हम लोग वहाँ पे थे, हमने थोड़ी देर मस्ती की वहाँ पे, थोड़ी देर में कोई एक लोकल आ गया, बोलता क्या कर रहे हो यहाँ पे, मैंने बोला वीडियो ले रहे हैं, तो बोलता यहाँ अलाउड नहीं है ये सब, बोला कौन लिखा, कौन बोला, कहाँ लिखा है, बोलता कहीं नहीं है, इतना समझ नहीं है तुमको, शहर से आते हो ये सब करते हो, खराब करो, इतनी मेहनत से हमने यहाँ पे बच्चों का ग्राउंड बनाया। हमने बोला कि ठीक है ग्राउंड है, हमें तो ऐसा पता चला नहीं, बोलता है ये है वो गांव वालों को बुलाऊं मैं, तुम ये करते हो, हम तो तुमसे बात कर रहे हैं, हमने क्योंकि हमने खुद प्यार से बात की कि ठीक है तुमने बता दिया हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से, बोलता है कि नहीं गांव वालों को बुलाऊं मैं यहाँ पे, बताऊं तुम्हें बाद में आगे तो तुम्हें वायलेंस करेंगे, तुम्हें यहाँ पे हम तो बोल रहे हैं ये है वो है। था क्या वहाँ पे, कुछ भी नहीं, खाली मैदान था, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, ऐसा कौन सा ग्राउंड होता है भाई, बट जबरदस्ती लोकल्स के यहाँ पे कुछ कुछ होते हैं, कुछ लोकल्स हैं जो सिर्फ पूरे एक्सपीरियंस को खराब करते, कुछ नहीं था लिटरली वहाँ पे, अगर कुछ हुआ भी होगा ना तो गाड़ी को वहाँ पे घुमाने से प्लेन ही हुआ है वो ग्राउंड और कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद ही वो आकर के मूड खराब करना है कुछ लोगों का। बाकी इतने अच्छे यहाँ पे लोकल्स है ना भाई, इतना वेलकमिंग नेचर है, बट एक आधे ऐसे मिलते पता नहीं मतलब क्या ही रीजन था, ना वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्टेड जोन का कुछ लगा रखा है, एंट्री नॉट अलाउड ऐसा कुछ लिख रखा है, ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड है, ना सरकारी प्रॉपर्टी का बोर्ड है, कुछ भी नहीं, हम निकल गए बस अब वहाँ से, भी आगे आए हैं और कुछ भी नहीं। वापस यहाँ रुके हैं स्पॉट पे, ये पहाड़ हवा से कट कट के ऐसे शेप में बने हैं, अभी सामने दिख नहीं रहे, अगर ये दिख रहे थे यहाँ दिखा, ये जो है ना ये हवा से कट कट के ऐसे शेप बने हैं, सोच के देखो यार ऐसे शेप, इससे भी बहुत ज्यादा एपिक शेप्स है आगे जाके, तो मस्त घूम रहे हैं, फोटोज यहाँ पे लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे काजा की तरफ, धनकर मोनोस्फी होते हुए। यहाँ लैंडस्लाइड हो गया है भाई थोड़ा सा छोटा सा, तो क्लियरेंस चल रहा है, गाड़ियाँ वेट कर रही हैं सारी, ये धुआं कहाँ से निकल रहा है, नहीं नहीं वो उधर, अच्छा ये इसी का है, हम पहुंच गए शी चिलिंग, ये है धनकर का रास्ता, नीचे चला गया काजा का रास्ता, मोनेस्ट्री ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच गए हैं सामने, अब देखिए धनकर मोनेस्ट्री कितनी सुंदर दिख रही है, जा सकते नहीं नीचे से नीचे से ऊपर चढ़ फुल यहाँ बर्फ आती है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पंजाब जी क्लब घनश्याम भाई वो आ रहे हैं उधर से, बोल रहे कोई ऊपर नहीं आ रहा भाई, तुझे मैगी खाने से नीचे आ जा, मेरे लिए एक मैगी बोलना, पंजाम जी आ गए यहाँ पे, स्ट्रगल करते हुए हम लोग यहाँ पे गाड़ियों के लिए क्योंकि जगह ही नहीं है, और भाई कैसा चल रहा है, कहाँ कहाँ हुआ है, वो तो काजा सारे तीन काजा में थे, हाँ मतलब वहीं कहीं एक तो स्पॉट है जहाँ नदी तक उतर सकते, हम वहाँ गाड़ी उतारने की सोच रहे हैं, बाकी आगे लोसर का, लोसर खुला हुआ है, लोसर के आगे बंद है सब, नहीं नहीं लोसर तक खुला है ना सब, लोसर तक खुला है, कर लेना थोड़ी वो वही है, वही मून वैली रही है, इतनी गाड़ियां डालते हैं निकलेंगी कहाँ से, ये देखो हाल, ये चल रहा है सही, लेकिन ये पहले तो सोच रहा था कि टूटेगा इसलिए लेकर मेरे कांच का होना ही था, मुझे पता था, देखो मतलब सिर्फ गाड़ी उछल गई है गड्ढे पे, इस वजह से ऐसे टूट गया, और मे बी ये लूज होगा तो थोड़ा लग गया वाइब्रेशन को, तो नहीं बहुत सारी चीजें हो सकती है, पहले भी हुआ ना ये एक बार, मतलब एक बार टूटा तो चेंज तो पूरा ही होगा, तो हम वही बोलते कि नेक्स्ट आओगे ना तो अपने अलग से कांच लेके आना, स्पीति में एंटर करके रख के कांच तोड़ देना,
फिर नींबू में थोड़ा पूजा करो फिर चलना आगे। तो हम लोग अभी अभी अलग निकल रहे हैं भाई, आ जाओ आप भी। आप भी यूट्यूबर हो अपना, आप भी बता दो चैनल का नाम। लेबर लॉ एडवाइजर। अरे अरे आप भी, अरे हमें देख रहा था सोचा सोचा, अरे कितने शॉर्ट्स देखे हैं मैंने आपके। आई एम आल्सो सब्सक्राइबर, बट वही मैं सोचा आपने यूट्यूबर बोला, मैंने आप यहाँ घूम रहे हो तो मैंने सोचा कि ना आप ट्रैवल वाला कोई यूट्यूबर होगा, बट मुझे शक्ल पहचानी पहचानी लग रही थी। मैंने सोचा नहीं उसका तो अपना लॉ वगैरह है, बट शॉर्ट्स आर वेरी गुड। हाँ मतलब लाइक हेल्पफुल है सबसे ज्यादा। हाँ भाई आप चलो हम आ रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो बस अभी आपका यहाँ से सीधा कल्पा अभी जल्दी पहुंचे वहाँ से सुसाइड पॉइंट देख के। सुसाइड पॉइंट हाँ हाँ समझ गया समझ गया। मैं पिछली बार जब गया था ग्रिल अभी अगस्त में भी थी जब मैं गया था ना, बट बीच ही पाता था जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे वो है ना आई लव वो करके कुछ तो कल्पा लिखा है कुछ तो लिखा है, वहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत ही है पार्सल, मतलब जो चाहे तो आर एस सी निकल जाएगा वो। चलो फिर चलते हैं हम लोग, फोटो तो भेजो खींच के। अभी 2 मिनट में 2-4 मिनट में गायब हो जाए। आई साहब ये देखो फ्रोजन वाटरफॉल, कब निकले थे क्या हुआ, फ्रोजन वाटरफॉल फिर भी है यहाँ पे बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। फुल बर्फ फोटोशूट चालू है। जमा हुआ पानी है भाई पूरा, पर कितनी मोटी आइस है इसकी वो पता नहीं है, तो इसमें पत्थर देख के टेस्ट कर रहे हैं। अगर बड़े पत्थर भी झेल गया टूटा नहीं तो मतलब हमारा वजन लेंगे, नहीं टूटा और थोड़ा देखते हैं। भाई बहुत स्लिपरी है, अंदर घास जमी हुई है, तो आइस स्केटिंग कर सकते हैं भाई पूरी। तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं काजा, द हार्ट ऑफ स्पिति वैली। यहाँ पे हम लोग कुछ दिन रुकने वाले हैं, काफी जो आइकॉनिक स्पिति वैली की एक साइट्स है ना उस सब आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाली है। वेलकम टू काजा। सो भाई वी हैव चेक्ड इन एट आवर होटल इन काजा, दिस इज आवर कार, दिस इज आवर होटल, एंड यहाँ पे ऑलरेडी शाम को 5:30 -9 का टेम्परेचर था, अभी इट्स अराउंड -13। तो दिक्कत यह है कि यहाँ पे इतना नेगेटिव टेम्परेचर रहने की वजह से, तो दिक्कत यह है कि माइनस टेम्परेचर रहने की वजह से यहाँ पे सारे पाइप्स में पानी फ्रीज रहता है, तो टॉयलेट्स आर नॉट यूजेबल एट ऑल, रूम्स में जितने भी टॉयलेट्स हैं सब बंद हैं, उनमें ताला लगा के रखा हुआ है, एंड पूरा बिल्डिंग में एक ही कॉमन टॉयलेट है जिसके लिए हमें लाइन लगानी पड़ रही है। तो अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ, अगर मुफ्त नहीं जाना है तो भी भाई वेट करना पड़ रहा है, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। उसके बाद पानी का तो अलग ही इशू है, हमें धोना पोछना सब अलग ही है। काजा की सबसे ट्रिप की हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चालू है, टट्टी हो की डिस्कशन हो रही है। करे तो करे कैसे, कर भी लिया वो बड़ी बात नहीं है, धोए कैसे, धोए कैसे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अभी करने गए थे जब तक कोई पानी जम गया, भाई अभी फील हो रहा है ना सब पीछे, तभी सुन हो गया, सुन हो गया था अभी, मतलब खुल गया सब। ये एक्चुअल डिस्कशन होते हैं भाई यहाँ पे, ऐसे इतना बड़ा स्ट्रगल है यहाँ पे, ये नीचे देखो पानी जो पड़ा है सब जम गया, ये देखो जमने लगा, व्हाइट व्हाइट जो है ना वो फ्रोजन है। 2 घंटे ही हुए अभी, बट नेगेटिव में टेम्परेचर है, तो एक बार चालू करके देख लेते हैं, 2-3 बार थोड़ा वार्म अप करेंगे, चालू करते हैं। अभी तो चालू हो गई भाई एक बार में, थोड़ी देर चालू छोड़ देते हैं और सामान अपना निकाल लेते हैं। सो गाइस इट्स अराउंड 9:30, 9:45 एंड गाड़ी वापस एक बार मैंने स्टार्ट करके बंद कर दी है, अभी तो एक बार में स्टार्ट हो गई थी। टेम्परेचर इज -13 राइट नाउ, रात में देखते हैं और भी बहुत मस्त है।
एक बार रूम में कुछ है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अपने रूम में इलेक्ट्रिक हीटर्स लगे हुए हैं, मैं रूम सोने से पहले याद आया तो डिनर करने के बाद में महफिल जमाने वाले हैं। कब सब करेंगे? सो गाइस इट्स 2 AM राइट नाउ एंड ठंड बहुत ज्यादा है, नींद नहीं आ रही ढंग से एंड मैं जस्ट गाड़ी को स्टार्ट करने आया हूँ सो दैट सुबह ज्यादा दिक्कत ना हो। सो गाइस गाड़ी तो स्टार्ट हो गई है, थोड़ा सा लाइक एक दो सेकंड के लिए इसने सुबह जैसा इशू दिया था बट फिर स्टार्ट हो गई। सो आई एम फॉर्चुनेट इनफ मेरी नींद खुल गई एंड मैंने रात में 2 बजे स्टार्ट कर लिया। 4 घंटे का गैप हो गया लास्ट स्टार्ट से, अगर मैं अभी स्टार्ट नहीं करता तो सुबह पक्का ये स्टार्ट नहीं होने वाली थी। लेट जस्ट होप कि अगले 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे बाद में जब भी मैं उठूँ अगर नींद आई तो ये स्टार्ट हो जाए। 242 मैं अभी तक यही हूँ एंड आई जस्ट नोटिस समथिंग वियर्ड, हमारी फोम वाली ये नेकलेस था एंड दे यूज टू बी वेरी वेरी सॉफ्ट बट बिकॉज बट एट दिस टेम्परेचर दे आर लाइक दिस, दे हैव बिकम रॉक सॉलिड। थोड़ा भी नहीं दबा पा रहा हूँ मैं, लग ही नहीं रहा कि ये मेमोरी फोम है। 300 ऊपर हो गया, नींद तो अभी भी नहीं आ रही बट मैं वापस आ रहा हूँ बिकॉज गाड़ी में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी है, वैसे ही बैठे बैठे ठंड सहना पड़ेगा बट आज भी ब्रेक